पदमपुर विधानसभा क्षेत्र में आपको बताया अध्यक्ष दिल्ली से वर्तमान में सांसद अमित धुरी ने आज एक बार फिर यहां से जीत हासिल करी है और उनके कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास देखने को मिल रहा है। उन्होंने बम पटाखे जला के यहां पे देश की जनता ने विरोधियों को एक कड़ा सबक दिया है और देश की जनता ने मन बना लिया है 2024 के लिए भी। जिस तरह 48 साल बाद इस देश का रिकॉर्ड टूटा है कि दोबारा सरकार पूर्ण बहुमत में आई है, ऐसा पहली बार हुआ, दूसरी बार हुआ, 48 साल बाद पहली बार हुआ है। जब इंदिरा गांधी के समय पर हुआ था, मोदी के समय हुआ है। देश ने मन बना लिया है और देश भगवा होगा और अब की बार जो विधानसभाएं आएंगी पूर्ण भारत पूरा बीजेपी से ही लहराएगा। अमित शाह जी ने जो विश्व का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जो भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, ऐसा अपने आप में एक बहुत ही एक जो जीत हुई है, हमारे पास शब्द नहीं है, ऐसी जीत हुई है। और ये जीत केवल इस देश के जनता की जीत है, ना कि नेताओं की। इस देश की जनताओं ने जो विश्वास करा है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पर, ये विश्वास बना रहेगा और ये जीत कायम रहेगी और ये परिणाम आपको इससे ज़्यादा 2024 में मिलेंगे। जय श्री राम। जो विजय सोरी यात्रा निकाली जा रही है, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई? मैम, ये हमारे पूरे वार्ड में निकाली गई है और मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए महिलाओं ने ठाना था मोदी जी को लाना है, देश की सुरक्षा के लिए और देश के विकास के लिए, तो पुनः मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके लिए मैं पूरे देश को, पूरे जनता को, पूरे कार्यकर्ता को बधाई देना चाहती हूँ। सर, आप इस जीत का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय तो जनता को है। वैसे इसके लिए जो काम मोदी ने किया है वो काबिले तारीफ है। इतने काम अगर 70 साल में पहले किए होते तो हमारा देश अमेरिका से भी ऊपर होता। और ऐसा काम मोदी ने किया है जो गांव में महिलाएं चूल्हे में अपना सर लगाती थी, उनको चूल्हे में जाने से, धुएं से बड़ी राहत मिली है। जो महिलाएं शौच के लिए बाहर जाया करती थी उनको शौच से बड़ा आराम मिला है। जिनके पास 70 साल में अभी तक की सरकारों ने घर नहीं दे पाए, ऐसे गरीब लोगों को इस सरकार ने घर दिए हैं। ऐसे काम किए हैं जो 5 लाख का बीमा दिया, मेडिकल पॉलिसी दी है, आयुष्मान योजना दी है, ऐसे ऐसे काम इस सरकार ने किए हैं। इस वजह से इस सरकार को लोगों ने पसंद किया और दूसरों को जो नापसंद किया उसका भी एक बहुत बड़ा कारण है। हिंदुओं को आतंकवादी कहा, हिंदुओं को हिंसक कहा और पता नहीं कितने कितने लांछन लगाए। एक ईमानदार प्रधानमंत्री को हर जगह नारा लगाया गया कि चौकीदार चोर है, और जबकि सारे लोग कहते हैं कि चौकीदार प्योर है और ईमानदार है। और इस ईमानदारी पे और ये कर्मठता के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर ये सरकार बनी है और इसके ऊपर ये काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ये विजय सोरी यात्रा निकाली गई एक जीत की, क्या कहेंगे इस पर आप? इस पर मैं कह देता हूँ कि ये असत्य पे सत्य की जीत है, अधर्म पे धर्म की जीत है, राष्ट्रवाद की जीत है, देशभक्ति की जीत है। हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति ने दिखा दिया है हम भारत के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं और हिंदुस्तान की प्रगति में हम साथ चलना चाहते हैं और इसको सोने चिड़िया बनाकर रहेंगे जैसा हमारे प्राचीन काल में हिंदुस्तान था। सभी कार्यकर्ताओं में एक भारी जोश देखने को मिल रहा है। Yeah!